मुझे ना सेम सब्जी चावल के साथ बहुत पसंद है। नीनवा की चटनी भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत दिनों तक तो मैं आंध्र प्रदेश में ये सब खा ही नहीं पाई। पता है क्यों? क्योंकि इसे तेलुगु में क्या कहते हैं पता ही नहीं था। बस क्या करते, सब्जी बाजार जाते, जो सब्जियां हमें दिखाई देती उसे लेके आ जाते। चाह करके भी हम दुकानदार से नहीं पूछ पाते थे आपके पास ये सब्जी है या नहीं है। धीरे धीरे जब इसका नाम मालूम हुआ तो इसको फिर हम लोग खरीदना शुरू किए। तो फ्रेंड्स, ऐसी दिक्कतें आपको भी आती है ना? आज के बाद ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आने वाली, क्योंकि आज हम लोग ढेर सारी सब्जियों के नाम आज जानेंगे। तेलुगु में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं और अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के बाद जो भी सब्जी खाने का मन करे आराम से बाजार जाइए और शौक से खरीद कर लाइए। चटनी खाइए या सब्जी खाइए, ठीक है? शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, दो चार शब्द हमें तो सीख ही लेने हैं जिससे कि हम आराम से सब्जी खरीद सकें। सबसे पहले क्या, यदि हम कहीं जाते हैं और हमें खरीदना है तो क्या बोलेंगे? चाहिए। चाहिए वर्ड तो जानना है ना, हमें 1 किलो आलू चाहिए, 2 किलो टमाटर चाहिए, आधा किलो सेम चाहिए, ऐसे तो चाहिए ना। तो फ्रेंड्स, चाहिए को कहते हैं कावाली। बस इस चीज को याद रखिए, ठीक है? कावाली, बस एक दो चीज हम लोग याद रखेंगे तो बन जाएगा। कावाली चाहिए। यदि हमें कहना है 1 किलो आलू चाहिए, ओके जी, बांगल दुम्पा कावाली, ठीक है ना? ओके जी, 1 के लिए। तो फ्रेंड्स, नंबर तो यहाँ पे हम लोग को जानना ही पड़ेगा, ज्यादा तो नहीं खरीदेंगे ना। 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, तो 5 तक का नंबर मैं बता देती हूँ। ओकटी रिंडु मूडु नालगु आयदु, ओकटी रिंडु मूडु नालगु आयदु, ठीक है ना? इतना इतना तक जान जाते हैं। पाव को पाव के जी ही बोलते हैं, हाफ को हाफ के जी ही बोलते हैं, ठीक है ना? तो ओके जी बंगल दुम्पा कावाली, रिंड के जी बंगल दुम्पा कावाली। यदि 1 पाव चाहिए तो ओ पाव बंगल दुम्पा कावाली, आर के जी बंगल दुम्पा कावाली, हाफ के जी को आर के जी बंगल दुम्पा कावाली, ठीक है ना? और यदि हमें 2 बोलना है तो 2 को बोलते हैं इवो, ठीक है फ्रेंड्स? 2 को बोलेंगे इवो, ओ के जी बंगल दुम्पा इवो, मतलब 1 किलो आलू 2 इवो। और यदि बड़ा रहेगा तो इवंडी इवंडी, ओके जी बंगल दुम्पा इवंडी, मतलब 1 केजी आलू दीजिए। तो हमें बस केवल 3 शब्द जानने हैं फ्रेंड्स, कावाली इवो और बड़े रहे तो इवंडी, ठीक है ना? तो बस ये 3 चीज जान गए, हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। ओके जी रिंड के जी मूड के जी बोल सकते हैं ना, आर के जी पाव के जी बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए अब देखते हैं सब्जियों के नाम जहां पे हम जाके फंस जाते हैं। तो सबसे पहले आलू, पोटैटो, इसे कहते हैं बंगाल दुम्पा, बंगाल दुम्पा, बंगाल दुम्पा आलू। प्याज, ओनियन, इसे कहेंगे उल्लिपाया, उल्लिपाया। टमाटर, टोमेटो, इसे कहते हैं टमाटा, इसे की जैसा हो गया। भिंडी, लेडी फिंगर, इसे कहते हैं बेंड काया, बेंड काया। तो फ्रेंड्स, काया मतलब जो है ना सब्जी होता है, ठीक है, कच्ची सब्जी। गाजर, कैरेट, इसे कैरेट ही कहते हैं। बरबटी, बरबटी जो है स्ट्रिंग बीन्स, इसे कहते हैं बरबटी। परवल, परवल जो होता है जिसे कहते हैं पॉइंटेड गार्ड, इसे कहते हैं पोटल्स, पोटल्स। नेनुआ, अब आ गए फ्रेंड्स हमारे नेनुआ की बारी। नेनुआ जिसे कहते हैं रिस गार्ड, इसे कहते हैं नेत बीर काया, नेत बीर काया, ठीक है? सेम, सेम को कहते हैं, जिसे बीन्स कहते हैं, चिक्कुड़ काया, चिक्कुड़ काया। सहजन या मुनगा, बहुत अच्छा लगता है ना, जिसे ड्रम स्टिक कहा जाता है, इसे कहते हैं मुनगा काया, मुनगा काया, या फिर मोलंकाय भी कहते हैं। करेला, बिटर गार्ड, इसे कहते हैं काकर काया, काकर काया। केला, केला रॉ बनाना जिसकी सब्जी बनती है उसे कहते हैं अरट्टी काय। यदि अरट्टी पंडू बोलेंगे ना तो वो जो फ्रूट्स वाला केला हो जाएगा, ठीक है ना, पका वाला पीला, यहाँ हरा वाले केले की बात हो रही है, अरट्टी काया, ठीक है ना। फूल गोभी, फूल गोभी कालीफ्लावर, इसमें भी कालीफ्लावर ही कहते हैं। पत्ता गोभी कैबेज, यहाँ भी कैबेज ही कहते हैं। फिर होता है कुमड़ा या कद्दू, जिसे पंपकिन कहते हैं उसे कहते हैं गुम्मड़ी काया, गुम्मड़ी काया, ठीक है। लौकी, बॉटल गार्ड, इसे कहते हैं आन पकाए। गवार फली, क्लस्टर बीन्स, इसे कहते हैं गोर चिपुड़ काया, गोर चिपुड़ काया। सलगम, एरा मुलंजी, टर्निप। कुंदरू, कुंदरू तिंदुरा, उसे कहते हैं दोंड काया, दोंड काया। हेक्सा, स्पाइनी गार्ड, इसे कहते हैं पोटल काया। हरी मिर्च, ग्रीन चिल्ली, पचमिर पकाया, पचमिर पकाया। नारियल, कोकोनट,
बैंगन ब्रिंजॉल वंकाय मटर पीस बटानिलो शिमला मिर्च कैप्सिकम बेंगलोरी मिर्पकाया बेंगलुरु मिर्पकाया लहसुन गार्लिक वेलल्ली नींबू लेमन इसे कहते हैं निम्बकाया फ्रेंच बीन्स तो फ्रेंच बीन्स ही है चिचिंदा स्नैक गार्ड इसे कहते हैं पोटल काया पेक्ची कोलोकासिया रूट चेम दुम्पा उसे कहेंगे चेम दुम्पा मशरूम खुखड़ी जिसे मशरूम कहते हैं खुखड़ी कहते हैं उसे कहते हैं पुट्टा गुड़गु ठीक है अदरक जिंजर अल्लमो ककड़ी अमेरिकन कुकुम्बर इसे कहते हैं दोस्त काया खीरा जिसे कुकुम्बर कहते हैं खीरा दोस्त काया रेडिस मूली मूलंगी तुरई तुई झींगी रिस गार्ड इसे कहते हैं बीरकाया शकरकंद स्वीट पोटैटो इसे कहते हैं चिलकड़ दुम्पा हरा प्याज स्प्रिंग ऑनियन इसे कहते हैं उल्ली काडलू अब चलिए फ्रेंड्स कुछ तो हम लोग ना साग सब्जियों के भी नाम जान लेते हैं उसे भी तो खरीदना ही पड़ता है ना पालक स्प्रिंज इसे कहते हैं पालकूरा मेथी फेनुग्रीक लीव्स इसे कहते हैं मेंथी पूरा धनिया पत्ती कोरिएंडर लीव्स इसे कहते हैं कोत्तमीरा लकड़ा सोरल लीव्स गोंगोरा फ्रेंड्स गोंगोरा चटनी गोंगोरा के जो अचार ये सब बहुत फेमस है ठीक है ना हरी भाजी अमरनाथ लीव्स इसे कहते हैं टॉट कोरा तो फ्रेंड्स ये सबको तो जानना ही है सब्जी तो खानी ही है ना टॉट कोरा भाजी साग ठीक है पुदीना मिंट उसे पुदीना ही कहते हैं सरसों का साग मस्टर्ड लीव्स इसे क्या कहेंगे इसे कहेंगे आओ आकुलू तो फ्रेंड्स आवालू मतलब सरसों होता है आकू मतलब पत्ता होता है ठीक है ना तो सरसों का पत्ता तो आओ आकुलू ठीक है कड़ी पत्ता करी लीव्स इसे कहते हैं करवे पाकू तो फ्रेंड्स अब लग रहा है ना कि हम लोग आसानी से कोई भी सब्जी खरीद सकते हैं साग खरीद सकते हैं बिल्कुल खरीद सकते हैं फ्रेंड्स और फ्रेंड्स हमें ज्यादा से ज्यादा हरी साग सब्जियां खरीदनी भी है और उसका सेवन भी करना है तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगती है फटाफट कमेंट्स करके बताइए साथ ही साथ में वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए बहुत अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे तब तक के लिए बाय बाय।